हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रक्षा हैंडीक्राफ्ट। रक्षा हैंडीक्राफ्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं ये पेंडेंट चोकर। इस पेंडेंट की हम चोकर बनाएंगे। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट थी कि इस पेंडेंट से कैसे चोकर बनाते हैं, क्योंकि इसमें होल ये दूर दूर होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम ये बनाने वाले हैं। और आज मैं आपको मटेरियल नहीं बता रही हूँ, जैसे जैसे हम मटेरियल लगाते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मुझे इस पेंडेंट में ये बीड्स लगाने हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 5 mm की वायर। 5 mm की वायर को इसके नाप से लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कट कर लेंगे। और मुझे इसके और ये है 4 mm बीड्स। मैं रेड कलर ही यूज़ कर रही हूँ तो रेड कलर का बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस वाले होल से पास करेंगे और हम इसमें डालते जाएंगे 4 बीड्स, या जितना हमारा स्पेस होगा उस हिसाब से हम डालते जाएंगे। इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए इसमें 5 बीड्स आ रहे हैं तो हम 5 बीड्स डालेंगे और इसको 5 बीड डालने के बाद में हम इसको फिर इस होल से पास कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको अपने प्लायर की मदद से इसको खींचेंगे। देखिए ऐसे। ये हम जगह के अनुसार डालेंगे, किसी में 4 बीड्स भी आएंगे, जितना गैपिंग में हमारे बीड्स आ जाएं हम उतने ही बीड्स डालेंगे। इसको हम चेक करते जाएंगे। अब इसमें जैसे 4 ही आएंगे और इसको फिर इससे पास कर लेंगे ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही करके हमको यहाँ तक लेना है। तो ये मैं लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पूरा ऐसे ही 5 5 बीड्स करके डाल लिया है। अब इधर की वायर को इस इधर की तरफ क्रॉस किया है, इधर की वायर को इधर क्रॉस किया है। अब इसको हम अच्छे से खींच लेंगे जिससे कि बिल्कुल टाइट हो जाए। पार्ट को कट कर देंगे। इसको अच्छे से हल्के हाथ से टाइट करते हुए इसको हम नीचे की साइड में इसको, ये देखिए, तो इसी तरह मैंने इसके ये इयररिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, आगे हम अपने बीड्स लगाएंगे, वो भी हम निडल के थ्रू लगाएंगे। तो मुझे इसका सेंटर ले लेना है। जैसे सेंटर मैं ये लेती हूँ, जैसे इधर इस होल से शुरुआत करेंगे और इधर इस होल से शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना के रख लिया है, एक साइड का बना के रख लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और दूसरी साइड का ये देखिए सेंटर से लिया है मैंने, 5 लाइन का बनाया है। और मैंने ये वाले कनेक्टर यूज़ किए हैं, बीच में मैं बड़ा 3 होल कनेक्टर यूज़ करूँगी और बीच में ये, और हाँ से लेना है। तो चलिए आइए लेते हैं। ये नीडल में मैंने डबल थ्रेड करके डालिए। मैंने रेडी कलर का लिया है, मेरे पास था, आप किसी भी कलर का गोल्डन भी ले सकते हो। और इसको हम इस वाले पार्ट से नीचे की साइड डालेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बट चला जाएगा। ये देखिए आ गई है, अच्छी तरह से करेंगे, इस धागे को खींचते रहेंगे और नीचे की साइड ही नॉट करेंगे। अब इसमें हम 11 बीड्स डालेंगे। ये 11 बीड्स डाल दिए हैं। 11 बीड्स डालने के बाद में मैंने ये वाला कुंदन कनेक्टर लिया है, 5 होल वाला। तो इसके बीच वाले होल से हम इसको पास करेंगे ऐसे, 5 6 7
तो नीचे लिए हैं मैंने 11 बीट्स और ऊपर की तरफ लिए 14 बीट्स। और अब इसको इस वाले कनेक्टर से बीच वाले होल से ऐसे, लेकिन अभी इसको हम लॉक नहीं करेंगे, अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम दूसरी लाइन को, सो फ्रेंड्स अब देखेंगे कि इसकी साइड से हम कैसे लगाते हैं। तो हम इधर ये मैंने बीच से लिया था, अब इसमें एक बीट छोड़ के सेकेंड बीट से हम अपनी ये निडल को ऐसे पास करेंगे, और पास करने के बाद इस बार यहाँ पे नीचे की साइड नॉट लगा देंगे। इसीलिए मैंने रेड कलर लिया था कि दिखाई ना दे। और यहाँ पे हम डबल नॉट कर देंगे, इधर भी देखते रहेंगे कि निकल ना जाए। और इसी तरह जैसे मैंने इसको लिया था, इसको भी यहाँ तक लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको और इसको कैसे लॉक करना है। ये देखिए मैंने सेकंड लाइन भी ले ली है, और इसके सेकंड होल से पास करते हुए इसकी नॉट हम खोल लेंगे जो लगा दी थी मैंने, और इसी के सेकंड होल से इसको लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए बराबर है, चेक करते हुए अब हम इसमें नॉट लगा देंगे। सिंपल 3-4 बार नॉट लगा देंगे, बट इस धागे को अभी हम कट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई। जैसे ये दो लाइन कंप्लीट की है, मैं दो इधर की कंप्लीट करके लेती हूँ और फिर आपको नीचे वाली लाइन का दिखाती हूँ, क्योंकि ये दो लाइन तो सेम ऐसे ही हैं जैसे मैंने ये वाली करी है। और नीचे वाली लाइन को हम, क्योंकि इसमें ये हमें कुंदन लगानी है तो ये थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक लेती हूँ, ये दोनों लाइन कंप्लीट करके लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने दो लाइनें ये ऊपर की ये भी कंप्लीट कर ली है, अब इसको भी हम ऐसे ही बंद करेंगे जैसे हमने वाली दो लाइनें बंद करी थी। इन दोनों धागों को ले लेंगे, 4-5 नॉट अच्छे से टाइट करते हुए, एक बार देख लेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिल सके। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे ये नीचे वाली लाइन। नीचे वाली लाइन के लिए सबसे पहले तो हम अपने कुंदन को रेडी कर लेंगे। ये 3-होल कनेक्टर हैं, 3-होल वाले कुंदन हैं ये करेंगे, और बीच में हम लगाएंगे ये वाला, बीच में हम लगाएंगे ये वाला कनेक्टर यहाँ पे, और बाकी ये ऐसे लगाएंगे, एक एक इधर इधर भी लगाएंगे। तो आइए इसके लिए मैंने इसी क्रिस्टल बीट्स की लालिया रेडी करके रखी है, और आप लोगों को इसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। तो आइए इसके लिए चाहिए मुझे जंप रिंग लालिया। जंप रिंग को ओपन करेंगे, एक वाइट ला दिया इसमें मैंने, एक वाइट ला दिया, एक रेड वाली ला दिया, फिर एक वाइट ला दिया, और फिर एक रेड ला दिया, और फिर एक वाइट ला दिया ऐसे इसको अच्छे से करेंगे, नहीं तो हमारी लालिया निकलने के चांसेस रहते हैं। फिर ऐसे ही हम इसको ले लेंगे, जंप रिंग लेंगे, जंप रिंग को ओपन करेंगे, एक वाइट लालिया बीच वाली होल में, जंप रिंग लेंगे,
लोग कमेंट्स में नहीं बताते हैं वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, मेरा बताने का तरीका आप लोगों को समझ आता है? ये देखिए, मैंने ये देखिए रेडी करके रखे हैं। ये देखिए, ये सेंटर के लिए मैंने रेडी किया है ये। तो आइए इसके लिए, इसको देखिए कैसे करना है। तो इसके लिए हम फिर ये नीचे ये सेकंड वाले बीट से नीडल को पास करेंगे और इसके अंदर से नीडल इसको अपनी तरफ अच्छे से खींचेंगे। एक बार इसमें अच्छे से लॉक हो जाए। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन्हें हमें सबसे पहले दो बीट्स देंगे, सबसे पहले दो बीट्स। दो बीट लेंगे, फिर अपना एक ये कुंदन डालेंगे, कुंदन डालेंगे और फिर हम लेंगे सिक्स बीट्स, सिक्स लेंगे और फिर अपना एक ये कुंदन डालेंगे। और फिर हम लेंगे दो बीट्स, देखिए दो बीट्स लेंगे। दो बीट्स में हमारी थोड़ी सी यहाँ पे गैपिंग आ रही है फ्रेंड्स, इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम एक छोटा सा गोल्डन बीट डाल देंगे जो कि दिखेगा भी नहीं, इसके अंदर चला जाएगा। देखिए, और फिर हम लास्ट वाले होल से पास करते हुए ये देखिए, और इधर भी हम एक छोटा सा गोल्डन बीट डाल देंगे, इससे हमारा ये गैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। और इसके बाद फिर हम दो बीट्स लेंगे और फिर अपना एक कुंदन डाला, और कुंदन डालने के बाद में अगेन हम लेंगे सिक्स बीट्स, अगेन हम अपना एक कुंदन डालेंगे और इसके बाद हम लेंगे फाइव बीट्स, फाइव बीट्स लेने के बाद पर देख लेते हैं। सही आ रहा है ना, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ऐसे, ठीक है। और इसको अब हम लॉक कर देंगे। तो जो इसीलिए हमने ये वाले धागे नहीं काटे थे कि इन्हीं धागों से अब हम इसको लॉक करेंगे। ये चार से पांच नॉट लगा देंगे। इन धागों को अभी हम ज़्यादा नहीं काटेंगे क्योंकि अभी हमको ग्लू लगाना है। और इधर हम लास्ट में, जिससे कि हमारा बिल्कुल थ्रेड फिक्स हो जाए, लूज ना हो। सो फ्रेंड, ये मैंने लगा, ये वाले लगा लिए हैं छोटी वाली जंप रिंग से। अब ये बीच वाला हम लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए लारिया डालेंगे पहले, तो दो तीन और ये देखिए आ गई हमारी जंप रिंग। और इसको हम अच्छे से बंद करते हैं। ये देखिए, इसका ये हिस्सा हम नीचे साइड ले आएंगे। सो फ्रेंड्स, अब सिर्फ हमें बैक डोरी लगानी है। तो बैक डोरी हम ऐसे भी लगा सकते हैं, पर इधर सो ये देखिए फ्रेंड्स,
आप सबको कैसा लगा आज का ये चोकर कॉन्सेप्ट? आप सबको पता चल गया होगा कि ऐसे पेंडेंट में हम कैसे बनाते हैं। और ये हमारे इयररिंग को हम सिंपल ऐसे ही रखेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के हमारी नोटिफिकेशन मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल शुरू किया है, आप मुझे भी वहाँ पे देख सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको भी इतना ही प्यार दीजिए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।